आज की वीडियो में बताऊंगा मोहन कपूर जी के डबिंग कैरेक्टर्स के बारे में। आहो प्रा, यही सी मेरा असली प्लान। क्या घबरा ना प्लू, उड़ना तेरे खून में। अगर ये बिना पंख वाले उड़ सकते हैं तो तू क्यों नहीं काके? सबसे पहले जिस कैरेक्टर की बात मैं करने जा रहा हूँ उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हों, क्योंकि मोहन जी डॉक्टर स्ट्रेंज की ऑफिशियल हिंदी वॉइस हैं। मैं यहाँ तुमसे वेस्टव्यू की बात करने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हो? तुम्हारी मदद चाहिए। मल्टीवर्स के बारे में कितना जानती हो? इसके अलावा भी मोहन जी ने और भी हॉलीवुड कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दी है, जैसे ग्रीन लैंटर्न। जब सुना कि अब इंसूर की अंगूठी ने तुम्हें चुना है, मैंने सोचा कोई गलती हुई होगी। देख रहा हूँ मेरी सोच गलत नहीं थी। दी कराटे किड में जैकी चैन। हर साल इसी दिन मैं गाड़ी बनाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं बनती। दी डार्क नाइट राइसेस में बेन को। आपके पीछे खड़ा है अत्याचार का चिन्ह, ब्लैक गेट का जेल, जहां हजारों लोग इस आदमी की वजह से सड़ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर को अपनी आवाज दी है। किसी तरह उन्हें पता चल गया कि वो जिंदा है। मैंने उसे भगा दिया है, पर उन्होंने शहर सील कर दिया। वो उसे ढूंढ ही लेंगे। कहाँ है वो? सोलम जाने की कोशिश कर रहा है। तुम बहक गए हो कैप्टन। तुम ये सोचते हो कि तुम एक सीधे साधे सिपाही हो, पर असल में तुम ये मानने से डरते हो कि हम इंसानियत को पीछे छोड़ चुके हैं। मैं सदियों से तुम्हें ढूंढ रहा था, और तिलस्मी का कमाल देखो, तुम खुद चलकर आ गए। मैंने उड़ना छोड़ दिया है, अब मैं रिटायर्ड हूँ। दरअसल बहुत टायर्ड हूँ। तुम इस मुसीबत का सामना कर लोगे, मैंने तुम्हें जंग के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया है। तुम्हें ओवेन शॉ याद है, जिसे पकड़ते पकड़ते आधा लंदन तबाह हो गया? ये उसका बड़ा भाई है। उसका नाम है कैलम लिंच। उसमें 500 साल पुराने पेशेवर हथियारों के पूर्वजों का खून है।